Hi everyone. In the last video, I shared with you the cheat code for prelims. In this video, I'll be using those cheat code to solve UPSC 2022 paper solely based on intelligence elimination technique with no or very minimal prior knowledge of the question so that you can get to know how to apply this technique in the real exam. Before moving forward, मैं last video में कुछ comments देख रहा था. वहाँ मिलने मुझे दो type के comment मिले. The first one is काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अब ये ट्रिक्स या फिर ये चीट कोड सबको पता चल गए हैं तो कोई कंपेटिटिव एडवांटेज उनके पास नहीं है. और दूसरा मुझे एक दो कमेंट आया था कि 98% लोग फेल होते हैं प्री क्लियर करने में, तो क्या ये टेक्निक हेल्प करेगा? देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू देता हूँ. आप सभी को पता है कि हमारा एक चैनल है MCQ पाठशाला नाम से, और मैं उसमें डेली बेसिस पे UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता रहता हूँ सो दैट आप उसको प्रैक्टिस करो और जो एक्सप्लेनेशन है उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करो. इस चैनल को मैंने 8 फेब को क्रिएट किया था, और स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन डालता था तो आप देख सकते हो 25,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 23,000, 22,000, मतलब 15-16,000 लोग अटेम्प्ट करते थे MCQs को. बट एज द टाइम पासिस बाई, यू कैन सी ये आज क्वेश्चन डाला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 2,000 लोग, ये एक हफ्ते पहले का है, 5,000 लोग, तो नंबर ग्रेजुअली डाउन होते जा रहा है. इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कोई कितना भी चीज़ें बता दे बट लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए वरी मत हो कि सबको पता चल गया है और सब लोग अप्लाई कर देगा. ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है. इवन सबको पता होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद भी काफ़ी लोग PYQ लगा के नहीं जाते हैं. तो डोंट यू वरी, कॉम्पिटिशन हमेशा उतना ही रहता है जितना चलते आया है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि 98% लोग फेल होते हैं, तो क्या ये टेक्निक्स हेल्प करेंगे? देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, कोई भी पेपर टफ या इजी क्यों होता है? किसी भी पेपर को उसके क्वेश्चंस टफ नहीं बनाते हैं, किसी भी पेपर को टफ उसका सिलेक्शन रेशियो बनाता है. मान लो आप किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जहाँ पे 1,000 सीटें हैं और उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले 900 लोग हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारे 900 लोगों का हो जाएगा, चाहे वो 0 भी स्कोर करें. उसी तरह UPSC का है, जितनी सीटें हैं वो पहले से लिमिटेड हैं, पहले से डिसाइडेड हैं, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. तो यहाँ स्टार्टिंग से ही पता है सबको कि 12,000 से लेकर 14,000 लोग प्री क्लियर करेंगे, एंड आपको ये ट्राई करना है कि आपको इसी नंबर में आना है. इसके बाद एक डाउट और था कि इस बार जैसे UPSC में पूछा गया है पेयर्स वाला क्वेश्चन, तो UPSC अपना ट्रेंड बदल रहा है, तो क्या यूटिलिटी है इन एलिमिनेशन टेक्निक्स की? यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो, कट ऑफ कभी भी 200 का 200 नहीं जाएगा, और ना ही आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड ना ही हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगेगा. अगर आपने मेरे कल का PDF डाउनलोड किया होगा तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली लास्ट लाइन लिखी है, यू कैन सी हियर, देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी डैट दिस टेक्निक विल वर्क दिस ईयर टू, बट इफ़ यू सी इन UPSC देयर इज़ नो गारंटी फॉर एनीथिंग. देयर इज़ नो गारंटी कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि पॉलिटी के क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आएंगे, इवन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि PT से करंट अफेयर पूछा जाएगा. बट फिर भी हम लोग लीप ऑफ फेथ लेके चीज़ों को पढ़ते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. तो जब तक आप इन टेक्निक्स को खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नहीं लगाओगे, आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा कि इसको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. मैं 2022 का पेपर सॉल्व करूंगा बेस्ड ऑन दिस टेक्निक, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे पहले आप उन क्वेश्चंस को पॉज करो, उनको खुद से ट्राई करना, उसके बाद देखना कि हाउ आई अप्रोच्ड इट. आप सभी ने ये PDF डाउनलोड कर ली होगी, इसमें आप 3 पॉइंट और ऐड कर लें लास्ट में. लेट मी शो यू, ये 3 पॉइंट हैं जो आपको ऐड करने हैं. जो आपका 12th टेक्निक था वो था वर्ड डिकोडिंग का. कई बार आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप सिंपली स्टेटमेंट से एसोसिएट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, UPSC में M-STRIPE का क्वेश्चन आया था कि M-STRIPE इज़ रिलेटेड टू वॉट, तो वो टाइगर से रिलेटेड था. उसी तरह क्वेश्चन आया था ट्राइक्लोसन को लेके. इस टर्म को आप ब्रेक करोगे तो पहला ट्राइक्लो होगा, दूसरा सैन होगा, सैन से सैनिटरी होता है, एंड उसी के थ्रू राइट आंसर मिल गया था टॉयलेटरीज. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2021 में R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस करके क्वेश्चन आया था. यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखोगे तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा था जहाँ पे 2 बार R आ रहा था, तो वहाँ से आप R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को डिकोड कर पाते. तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको वर्ड एसोसिएशन करना होगा, वहाँ पे आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो. नेगेटिव एक्शंस विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था कि सैंड माइनिंग से क्या होता है, तो देखो सैंड माइनिंग की एक नेगेटिव एक्शन है, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होगा ना वो भी आपको नेगेटिव मिलेगा. कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको नहीं चूज करना है. जैसे जैसे हम PYQ सॉल्व करेंगे तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. एंड द 14th वन इज़,
आप एक चीज़ समझ जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, उसमें रेयरली ही कोई चीज़ डिफाइन किया गया है। तो कभी भी यूपीएससी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड, वहाँ पे आप थोड़ा रुक के थोड़ा देख के समझना, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होते हैं। सो आप इन तीन ट्रिक को अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नाउ लेट्स सॉल्व 2022 क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के जगह मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड ऊपर लिख दिया कौन सा ट्रिक यूज़ हुआ है, सो दैट आपके लिए भी इजी हो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे आपका वर्ड डिकोडिंग लगेगा। पहला क्वेश्चन था आपका रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप वर्ड को ब्रेक करो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ों की बात हो रही है, ऐसा क्रेडिट देने की बात हो रही है जो इमरजेंसी के टाइम पे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे रैपिड की बात कर रहा है। हो सकता है एग्जैक्टली आपको ना पता हो, बट यहाँ पे आप सी को काफ़ी इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये फाइनेंस नहीं करता है। जो डाउट आएगा वो आएगा बेसिकली ए बी एंड डी में। तो यहाँ पे आप वर्ड को तोड़ के प्लस कॉमन सेंस लगा के एक ऑप्शन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली नहीं मानेंगे कि ट्रिक से हो रहा है, बट यहाँ पे आप एक ऑप्शन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग योर कॉमन सेंस। सो यहाँ पे आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखो, यहाँ पे क्यूबिट्स की बात कर रहा है। क्यूबिट को आप तोड़ोगे तो क्यू से आपका क्वांटम हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था एंड नहीं भी पता होता तो आप क्यूबिट से क्वांटम बहुत ईजिली डिकोड कर लेते। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप प्लस टू लिखो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे आप इस वर्ड को तोड़ो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, यहाँ इंडेक्स मेंशन है, डेट मीन्स कि बॉन्ड में इन्फ्लेशन इंडेक्स किया जा रहा है, बॉन्ड में इन्फ्लेशन जोड़ा जा रहा है, बॉन्ड में इन्फ्लेशन अकाउंट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल की बात कर रहा है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक 2 लगाओ, डेट इज़ कॉमन सेंस। कोई चीज़ नॉन टैक्सेबल कब होगा? कोई चीज़ नॉन टैक्सेबल तभी होता है जब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि बाहर से लोग गोल्ड इम्पोर्ट करें, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में तो गवर्नमेंट पहले ही इन्फ्लेशन को इंडेक्स करके, इन्फ्लेशन को अकाउंट करके आपको बेनिफिट दे रही है, तो फिर उस पर टैक्स क्यों नहीं लगेगी? यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस बेसिक रीजनिंग चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस चाहिए। थर्ड आपका गलत होगा, ये गया, ये गया, ये गया। द करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है थ्रू एलिमिनेशन प्लस टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लो, मैं मेनली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट थर्ड देखो आप यहाँ पे, एप्रिहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशियंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। यहाँ बोल रहा है एप्रिहेंशन, सिर्फ एप्रिहेंशन रहेगा, सिर्फ आशंका रहेगी कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है तो आप उसको किल कर दोगे, पूरी तरह से एब्जर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड आपका गया, ये गया, ये गया। सेकेंड देखो, When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. दूसरा दोनों में सही है। First देखो, wild animal are the sole property of government. Obvious ही बात है, हमारी आपकी property नहीं है, government की property है। So the correct answer is A. यहाँ भी आप plus two लिख सकते हो, common sense से question solve होगा। इसके बाद third देखो आप, extreme statement. इन चारों statement में आप third पढ़ो, मोनेजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। एंटायर की बात कर रहा है, पूरे इंडियन कोस्टल सैंड पे मोनेजाइट मिलेगा। मान लो थोड़ा सा भी यहाँ नहीं मिला ना, तो स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो जाएगा। डेट मीन्स आपका थर्ड गलत है, ये गया, ये गया, ये गया। द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ भी आप प्लस टू लिखो, इट कैन बी सॉल्व थ्रू एलिमिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखो, लेट मी रब दिस। यहाँ पे पॉलीथाइलिन टेरेफ्लेट की बात कर रहा है। स्टेटमेंट टू देखो, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, इसको कट करो। सेकेंड आपका गया, तो ये चला गया, ये चला गया। फोर्थ देखो आप, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज बाई इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। बोल रहा है कि जो आर्टिकल इसके थ्रू बनाया जाएगा उसको आप आराम से इंसिनरेशन के थ्रू डिस्पोज कर सकते हो, बट वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट आपका एक्सट्रीम है, कम होगा ज़्यादा होगा बट थोड़ा बहुत होगा, विदाउट यहाँ पे गलत है। फोर्थ आपका गया, तो ये भी चला गया। द करेक्ट आंसर इज ए, ये भी आपका सॉल्व होगा थ्रू एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखो,
पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, मस्ट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप इसको गलत कर सकते हो। पहला जाएगा तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, द करेक्ट आंसर इज बी। बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ कोचिंग के आंसर की इसका बी बोल रहे हैं और कुछ इसका डी बोल रहे हैं, तो जब तक यूपीएससी का आंसर की नहीं आएगा वी डोंट नो कि इसका आंसर बी है कि डी है, इसीलिए आप इसको अभी के लिए लीव कर दो। बट एग्जाम ये टेक्निक यूज़ करते तो आपका आंसर आता बी। अभी आंसर सही है या गलत है ये यूपीएससी बताएगा, इसको हम लीव करते हैं। इसके बाद आप देखो 93 संगम लिटरेचर के बारे में पूछ रहा है। पहला देखो, संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी रिफरेंस टू मटेरियल कल्चर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सी देखो, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, नो, एक्सट्रीम, इसको काटो। इसके बाद बी और डी में थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। डी बोल रहा है, संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। देखो, मैजिकल फोर्सेज को इवन अभी भी इरेशनल नहीं माना जाता है, तो जब आप बी और डी में कंपेयर करोगे मोस्ट सुटेबल आंसर आपको बी लगेगा। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट, सो द करेक्ट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन से आराम से कर लेते हैं, प्लस टू। नाउ ये क्वेश्चन देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जब पॉलिटी के क्वेश्चन आए वहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को देख के थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम होते हुए भी सही होते हैं। बट अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट का रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो, स्टेटमेंट टू देखो, देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन डैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। मैंडेटरी बोला है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको आप कट करो। टू गया तो आपका ये चला गया, ये चला गया, ए और सी में से कोई एक सही है, तो आप यहाँ पे 50-50 पहुँच गए हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फोर्थ टेक्निक, प्रोबेबल स्टेटमेंट, जो न्यूट्रल स्टेटमेंट होते हैं, कैन, मे, शैल, वो वाले। यहाँ पे 98 देखो, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको काट दो। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम है, सही आपका। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, सम है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है, प्रोबेबल स्टेटमेंट है, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, टू एंड थ्री। यहाँ भी आप प्लस टू करो। नाउ कमिंग ऑन टू 82, पहला छोड़ के आप सेकंड देखो, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल लिव इन बिलीबिली। थर्ड आपका, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। सम पीपल, सम पीपल, यहाँ पे आप वो टेक्निक भी लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि हार्ड टू वेरीफाई द फैक्ट। अगर एक भी बंदा साउथ सूडान से फ्लैट करके बीड़ी बीड़ी में गया होगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेम गोज फॉर द थर्ड वन, इस फैक्ट को वेरीफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हर इंसान के बारे में एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि ये फ्लैट किया था कि नहीं किया था, डेट इज़ वाई यहाँ पे टू और थ्री दोनों सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3 तीनों दिया होता तब कन्फ्यूजन बढ़ जाती कि 1, 2, 3 सही है या फिर 2 और 3 सही है। बट जो ऑप्शन है इस तरह अरेंज नहीं किए गए हैं एंड ईजिली आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर डिराइव कर लेते हैं, यहाँ भी आप प्लस टू लिख सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू गुची, यहाँ पे स्टेटमेंट टू देखो, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, सम मतलब प्रोबेबल स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर टू करेक्ट होगा तो आपका ये गया, ये गया, या तो सी सही है या तो डी सही है, बाकी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे आप 50-50 की रेंज में आ जाओगे। इसके बाद देखो 33, सास बायर कैन कस्टमाइज, ये सही है। सास यूज़र कैन एक्सेस, ये सही है। थर्ड आपका है आउटलुक हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास, थर्ड के बारे में हमको नहीं पता है, तो फिर या ए सही होगा या फिर डी सही होगा, यहाँ भी आप 50-50 पे आ गए हो। इसके बाद देखो आप 32, वेब 3.0 के बारे में पूछ रहा है। पहला देखो, वेब 3.0 इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। मैंने आपको बताया था कोई भी टेक्नोलॉजी रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहेगा, कुछ भी रहेगा जो सिटीज़न को, जो पीपल को इनेबल करेगा, वो स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो पहला सही हो गया। सेकंड, इन वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, कैन बी, सही है। वेब 3.0 इज़ ऑपरेटेड बाई यूज़र कलेक्टिवली रादर देन कॉरपोरेशन, ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, तो यहाँ पे तीनों सही है, डी, यहाँ भी आप प्लस टू लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज, कैन, सही है। सेकंड वन, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, कैन, सही है। थर्ड वन, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कैन, सही है। आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इज डी, यहाँ भी आप प्लस टू लिखो। नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको बताया था कल कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर रूल फेल हो जा रहा था, ये उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है।
क्योंकि क्या है ना, जब भी कोई रूल बताता है तो हमेशा कहाँ पे लग रहा है रूल ये बताते हैं, बट काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे रूल फेल होता है, उसको बताना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया है विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों में है कैन सेल एंड कैन ओन। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है बट पहला गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होता, बट आप रूल लगाते तो उसका आप सी बोलते, तो इसको आप कट कर दो, ये आपका नेगेटिव में जाता। नाउ नेक्स्ट रूल, जनरली ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री के नेम गलत दिए होते हैं। यहाँ पे आप देखो 39, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस COVID-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये गलत है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं होगा। पहला गलत हो गया आपका, तो ए गया, सी गया, डी गया, करेक्ट आंसर आपका बी आ गया। यहाँ प्लस टू लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई RBI। यहाँ पे RBI नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेबी, तो ये भी आपका गलत हो गया। पहला गलत हो गया, तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर बी है आपका। यहाँ भी आप प्लस टू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखो, यहाँ पे आप स्टेटमेंट टू देखो, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन अ पार्टनरशिप विथ क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ के नेम गलत दिए होते हैं, उस हिसाब से आप टू गलत कर सकते हो। आपका टू गया, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, दी करेक्ट आंसर इज़ बी। यहाँ भी आप प्लस टू करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड, यहाँ पे आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जनरली मिनिस्ट्री के नेम गलत दिए होते हैं, उस हिसाब से आप इसको गलत मानोगे, तो आपका बी चला गया। नाउ आप वैसे भी यहाँ देखोगे तो पहला स्टेटमेंट काफ़ी नोन है, टी बोर्ड जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, बट यहाँ मैंने पहले एज्यूम किया हुआ है कि आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम चीट कोड का यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ वाई आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट एलिमिनेट किया, बाकी यहाँ ए सी या डी में से कोई करेक्ट होगा। वैसे करेक्ट आंसर जो है वो 1 और 4 है। नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ टेक्निक्स नहीं लगे थे, वैसे यहाँ भी दो क्वेश्चन आप देख सकते हो। द इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज़ अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इट इज़ फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। तो गोइंग बाई डैट रूल की ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत दिया होता है, आप इसको गलत मानोगे, बट सेकेंड स्टेटमेंट में रूल फेल हो जाता है। यहाँ पे जो बॉडी का नाम दिया गया ना, एपेक्स बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये करेक्ट दिया है। यहाँ पे आंसर जो है वो बी होगा, ये भी आपका नेगेटिव में जाता अगर आप इसको रूल के थ्रू यूज़ करते तो। फोर्थ देखो, फोर्थ में भी वैसा ही है, यहाँ पे इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाई G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम करेक्ट दिया है, यहाँ पे सी आंसर होगा। यहाँ पे आप रूल अप्लाई करते तो आपका नेगेटिव में जाता। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे रूल फेल हो रहा था। नाउ नेक्स्ट, डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मैंने आपको अभी बताया है, कभी भी बोले डिफाइन, मेंशन, एक्सप्लेन, वो चीज़ें गलत होती हैं। आपका थर्ड गलत हो गया, तो आपका ये गया, ये गया, 1 2 दोनों में कॉमन है। फोर्थ आप देखो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो फोर्थ भी करेक्ट होगा। फर्स्ट आप करेक्ट मान रहे हो कि द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात कर रहा है, जब यहाँ पे एक्ट है तो पार्लियामेंट के पास ही पावर होगा लॉ बनाने का, तो यहाँ पे पहला और चौथा साथ में जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहला सही है चौथा गलत है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ भी आप प्लस टू करो। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आप पहला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई मिनिस्टर इंटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता, पहला आपका गलत हो जाएगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, तो यहाँ करेक्ट आंसर बी हो गया, यहाँ भी आपका प्लस टू हुआ। नाउ 17th, यहाँ पे आप सेकेंड देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन वेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता, सेकंड आपका गलत हो गया। फर्स्ट देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे सिर्फ अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो गया डी, यहाँ भी आप प्लस टू करो। नेक्स्ट 7 देखो, मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ बहुत स्टेटमेंट दिए होते हैं, वैसे क्वेश्चंस को आप लीव मत करो, क्योंकि वहाँ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होता है राइट आंसर तक पहुँचने का। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ। इन सारे में से आप सेकंड देखो, सुनामी कुड अकर एट इक्विटोरियल रीजन।
यहाँ सुनामी की बात कर रहा है कि सुनामी आ जाएगा। देखो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, जीपीएस फेल हो गया, पावर ग्रिड डैमेज हो गया, बट सुनामी एक डिज़ास्टर है, ये नहीं आ सकता है। एंड वी ऑल नो कि सुनामी कैसे आता है, जब वाटर बॉडीज़ में अर्थक्वेक आते हैं तब सुनामी आता है। सेकंड आपका गलत होगा। तो ये गया, ये गया, ये गया, सी करेक्ट आंसर है, प्लस टू। नाउ नेक्स्ट, मैंने आपको टेक्निक बताया था, कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसके लिए होता है बट इसके लिए नहीं होता है, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो, दी ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। हमारे फूड में तो पाया जाता है बट हमारे गट में नहीं पाया जाता। गोइंग बाई द टेक्निक आपका सेकेंड गलत हुआ, तो आपका बी गया, आपका डी गया। यहाँ पे आप 50-50 पे आ जाओगे, आपको पता होगा थर्ड सही है कि नहीं सही है, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। एंड थर्ड सही है, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो मैंने दो क्वेश्चन लगाया है पी वाई क्यू का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। सेम इसी थीम पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, आंसर ए है गोल्डन महसीर। एंड ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव कॉजेज एसी ड्रेन, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पी वाई क्यू के थीम से रिपीट होंगे। नाउ सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, मैंने आपके साथ एक टेक्निक शेयर की थी, जब भी स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो सिमिलर लुकिंग होते हैं तो जनरली आंसर जो है उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है। जैसे यहाँ पे देखो आप मियावाकी मेथड के बारे में पूछा है, इसमें आप बी और सी देखो, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स एंड क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। इसके अलावा आप ए देखो और डी देखो, दोनों बहुत अलग हैं। यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा है एरिड और सेमी एरिड एरियाज पे, यहाँ पे तो हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी की बात कर रहा है। तो यही दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो फूल पत्ती लगाने की बात कर रहे हैं, तो आपका बी और सी में से कोई एक सही होगा, करेक्ट आंसर आपका सी था। यहाँ पे आप टेक्निक लगाते तो 50-50 पे आ जाते। इसके बाद क्वेश्चन 97 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। यहाँ पे ए देखो और डी देखो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस, एंड डी में आपका दे प्रोटेक्ट द बॉडीज फ्रॉम डिजीजेस कॉज बाई पैथोजेंस। दोनों में है प्रोटेक्ट द बॉडीज, प्रोटेक्ट द बॉडी, आपका ए और डी में से कोई एक सही होता, डी सही है यहाँ पे। यहाँ पे आप टेक्निक लगाते तो 50-50 पे आ जाते। इसके बाद 26 देखो, द टर्म लेवेनेंट ऑफ एन हर्ड इन न्यूज करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे आप ए देखो, रीजन अलॉन्ग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, एंड डी देखो, द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन। दोनों पे मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है, दोनों में से कोई एक सही है, द करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ भी आप 50-50 पे आ जाते अगर टेक्निक लगाते तो। नाउ अगर हम टोटल काउंट करें तो लेट मी शो यू, मैंने इसको बनाया है, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे 100% रूल अप्लाई हो रहे हैं आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पाओगे, टोटल 20 हैं। यहाँ मैंने दो पी वाई क्यूज को भी ऐड किया है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप 50-50 कर पाओगे, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, टोटल 7 है। यहाँ मैंने 19 वाले को नहीं काउंट किया है, आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाले का, उसका बी है कि डी है वो यूपीएससी बताएगी। एंड 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चंस को आप रूल के थ्रू अटेम्प्ट करोगे तो आपका नेगेटिव जाएगा। सो नाउ यू कैन सी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 100% करेक्ट होंगे, 7 क्वेश्चन में आप 50-50 पे आओगे और 4 क्वेश्चन जो है आपके नेगेटिव जाएंगे। इन 7 में भी गेम ऑफ थियरी प्रोबेबिलिटी यही बोलती है कि 3 से 4 नहीं तो 2 आपका सही हो जाएगा। डैट मीन आप 20 से लेके 22 क्वेश्चन थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी पेपर, आपके पास एम्पल स्कोप होता है अपने नॉलेज को अप्लाई करने का। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आप बहुत वेल रेड हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तब भी आप 35 से लेके 40 तक सॉल्व कर पाओगे, बट इतने से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। आपको अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा पुश करना होगा, आपको कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आप हैफेजार्ड मैनर में और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अटेम्प्ट करोगे, उसके पीछे आपका एक थॉट होना चाहिए। यहाँ पे हमने 2022 का पेपर सॉल्व किया है, इसके बाद हम 21 का करेंगे, 20 का करेंगे, ताकि ये सारी टेक्निक्स, ये सारी हैक्स जो हैं आप इम्बाइब कर पाओ। एंड प्लीज़ इसको भी आप पी वाई क्यूज़ में यूज़ करो, आप 2015 का, 16 का, 17 का पेपर लगा रहे हो, वहाँ पे आप खुद से यूज़ करो। इफ़ यू वॉन्ट देन आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप खुद से भी लगाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, सो दैट यू गेट टू नो कि चीज़ें कैसे अप्लाई की जाती हैं। मेरे बोलने से, मेरे बताने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप खुद करोगे तब।